हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही यमी सी रेसिपी और वो भी गुजराती स्टाइल में। हम बनाएंगे दाबेली। दाबेली तो आपने बहुत जगह सुना होगा, बट ऐसी पूरी गुजरात फ्लेवर वाली दाबेली आपने घर पे नहीं खाई होगी। और ट्रस्ट मी, इसके लिए हमें सिर्फ दो तीन एलिमेंट्स बनाने हैं और ये इतनी ज़्यादा यमी बनती है। चीज़ी पाव खा ली, पाव भाजी खा ली, आज हम खाते हैं पाव की दाबेली। तो इसके लिए पहले हम बनाएंगे एक सूखा मसाला, तो जिसके लिए मैंने लिया 4 से 5 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, 2 से 3 चम्मच सफ़ेद तिल, थोड़ी सी लौंग फ्लेवर के लिए, और 1 चम्मच सौंफ वो भी फ्लेवर के लिए, 2 बड़ी इलायची, 1 तेज पत्ता वो जो मैंने चूरा करके डाला है, मैं इसमें 1 दालचीनी भी डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए, वो बिल्कुल ऑप्शनल है, और 2 से 3 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च। अगर कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप चिल्ली पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, वो भी ऑप्शनल है। इसे हम कर देंगे अच्छे से ड्राई रोस्ट। ड्राई रोस्ट करने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि जो इसकी खुशबू आती है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है। ट्रस्ट मी, आपने इतनी यम्मी दाबेली कहीं नहीं खाई होगी। मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 3 चम्मच, और डालेंगे नॉर्मल रेगुलर नमक जो हम घर में खाते हैं, थोड़ा सा काला नमक फ्लेवर के लिए, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, और 2 से 3 चम्मच हम डालेंगे कोकोनट पाउडर, ये होता है डेसिकेटेड कोकोनट। और दाबेली में हल्का सा मीठा होता है, इसलिए मैंने डाली 1 चम्मच नॉर्मल शुगर। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, बट एज हमें ये सारा मसाला पीसना ही है तो मैंने रेगुलर शुगर यूज़ करी है। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ध्यान रखना ये जो मसाला है ये हमें गरम गरम नहीं पीसना है, क्योंकि अगर हम इस मसाले को गरम गरम पीसेंगे तो वो जो चीनी है वो मेल्ट हो जाएगी और ये मसाले की जगह एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। हमें बिल्कुल सूखा मसाला चाहिए, इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके ठंडा कर लेंगे। तो मैं इसको ठंडा करने के लिए थाली में फैला रही हूँ। आप इसे थोड़ी देर पंखे के नीचे भी रख सकते हैं, या फिर आप थोड़ी देर इसे रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही रख सकते हैं। तो मैं इसे थाली में फैला रही हूँ ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो हमारा पहला एलिमेंट तो है ये मसाला, दूसरा एलिमेंट है हमारा गार्लिक की तीखी सी चटनी, जो बहुत ही तीखी होती है और दाबेली में बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाती है। तो हम बना लेते हैं वो चटनी, जिसके लिए मैंने लिया 3 से 4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप सूखी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हो, बट उससे कलर नहीं आता। 2 से 3 चम्मच में डाली है मूंगफली, ये हमारी चटनी में एक थिकनेस लाएगी। 15 से 16 डाली है लहसुन की कलियाँ, क्योंकि ये गार्लिक की ही चटनी है तो गार्लिक तो जाएगा ही। थोड़ा सा नमक और पानी डाल के हम इसे अच्छे से बना लेंगे। ये देखो, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसलिए यूज़ करी थी ताकि ये अच्छा सा कलर आए। तो हमें इसे अच्छे से पीसना है। पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा डलेगा, क्योंकि जो मूंगफली है वो चटनी को सुखा देती है। तो हमें पानी डाल के इसको अच्छे से पीसना है, और कंसिस्टेंसी आप इसकी चेक कर सकते हैं। ये देखिए कितनी यम्मी सी, तीखी सी और हमारे बढ़िया कलर वाली गार्लिक की चटनी रेडी हो गई है। इसमें 2 चटनियाँ लगती हैं, एक खजूर और इमली की और एक गार्लिक की। तो इमली की सौंठ तो जो हम गोलगप्पे वगैरह में खाते हैं वही चाहिए, और हमें चाहिए गार्लिक की चटनी जो हमने बना ली है। मसाला भी हमारा पिस के बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए मसाले में कितना अच्छा कलर आ गया है, और हमने मसाले को ठंडा करके पीसा था इसलिए वो पेस्ट नहीं बना, बल्कि सूखा मसाला ही बना है। ये देखिए हमारा दाबेली मसाला बिल्कुल हो गया है रेडी। अब हम बना लेते हैं दाबेली के लिए मूंगफली। तो हमने यहाँ पे ले लिया है 4 से 5 चम्मच मूंगफली के दाने, जो ऑलरेडी हल्की सी रोस्टेड है, और उसमें डाल दिया है 3 चम्मच दाबेली मसाला। ये ऐसे तो चिपकेगा नहीं, हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, मतलब लेमन जूस, और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो ये मूंगफली दाबेली में बहुत ही अच्छा टेस्ट लाती है। तो हमने बना लिए पीनट्स। अगर आपको ये पीनट्स स्टोर करनी है, आपको फिर से दाबेली बनानी है, तो आप इसमें 2 चम्मच तेल ऐड कर सकते हैं, उससे ये 1-2 हफ्ते तक ख़राब नहीं होगी। ये देखिए पीनट्स भी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं आपको एक और मसाला बनाना सिखाती हूँ। अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप ये अवॉइड कर सकते हैं। बस हमें प्याज में थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया मिलाना है। ये एक उसकी सैलेड है जो बहुत ही यम्मी लगती है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो हमारा ये वाला मसाला भी रेडी हो गया। अब हमारा लास्ट मसाला हम रेडी कर लेंगे, वो है आलू का मसाला। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 चम्मच रेगुलर वेजिटेबल ऑयल ले लिया है। 3 चम्मच में उसमें दाबेली मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि दाबेली मसाला तो बहुत ही यम्मी लगेगा, इसी से तो दाबेली में टेस्ट आएगा।
तीन से चार चम्मच में डाल रही हूँ सौंठ, जो हम मीठी चटनी खाते हैं वो, और इसे हम अच्छे से पका लेंगे। मसाले को हम अच्छे से कुक कर लेंगे। फिर मैंने तीन से चार आलू उबाल के मैश करके रखे हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। तो दाबेली में जो टेस्ट आता है वो होता है दाबेली मसाले का, गार्लिक चटनी का, और होता है आलू के मसाले का। तो चटनी हमारी बन गई, मसाला हमारा बन गया। अब हम बनाते हैं आलू वाला मसाला। मसाला हमारा अच्छे से कुक हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे उबला हुआ आलू, और इसे हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स, ताकि ये जो मसाला है ये आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। दाबेली का जो आलू होता है ना, वो हार्ड नहीं होता, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो या तो आप इसका आलू ओवर कुक कर सकते हैं, तब तो उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका आलू बिल्कुल नॉर्मल हो, तो हम इसमें डालेंगे आधा कप के अराउंड पानी, और पानी डालने के बाद इसे पकाएंगे नहीं, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट रहे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा नमक और डाला है, क्योंकि मुझे कम लग रहा था, और डाला है आधा कप पानी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि आलू की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, हमारा दाबेली का जो मसाला है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। तो दाबेली मसाले को सजाने का एक अलग ही तरीका होता है, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं और एक यम्मी सा फ्लेवर इसमें आ जाता है। तो वो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ, वो बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत ही अच्छा स्टेप है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मसाला ठंडा कर लेंगे, और आलू के मिक्सचर को एक बाउल में या एक बड़े से प्लेट में इसको ऐसे फैला लेंगे। ये देखो, बिल्कुल चम्मच की हेल्प से हम इसे इजीली फैला लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे आराम से आप इसे इक्वल इक्वल करके फैला लेंगे। अब हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा सूखा नारियल, मतलब वही डेसिकेटेड कोकोनट। फिर इसके ऊपर डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, बिल्कुल चाट की तरह हम इसे सजा लेंगे। धनिया डालने के बाद हम इसमें डालेंगे सूखी प्याज, जो हमने मिक्सचर बना के रखा था। फिर डालेंगे सूखी मूंगफली, जो हमने मसाला बना के रखा था। ये देखिए, अच्छे से मूंगफली डाल देंगे, और फिर डालेंगे थोड़ी सी सेव। अगर आपके पास सेव ना हो तो आप भुजिया भी डाल सकते हो, पर इसमें सेव का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। सेव डालने के बाद मैं इसमें एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, वो है अनार के दाने। अनार के दाने से एक तो एक कलरफुल दिखता है और बहुत ही यमी लगता है। अगर अनार ना हो तो आप टूटी फ्रूटी भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ले लिया सेव, मीठी चटनी, अनार के दाने, मूंगफली, प्याज, आलू का मिक्सचर, गार्लिक चटनी और पाव। सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। पाव या बर्गर आप किसी भी चीज़ में दाबेली बना सकते हैं, पर जो असली दाबेली होती है वो बनती है पाव में। तो हम सबसे पहले अपने पाव को बीच में से कट कर लेंगे। कई लोग पाव के बीच में होल करके बनाते हैं, बट मैं काट के बनाना प्रेफर करती हूँ। तो दाबेली को हमने अच्छे से काट लिया है। अब एक साइड पे हम लगाएंगे गार्लिक की चटनी, और एक साइड पे हम लगाएंगे मीठी चटनी। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से भर भर के लगाएंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी स्टफिंग आएगी, तो स्टफिंग के साथ हमारी चटनी मैच हो जाए, हमें इतनी चटनी लगानी है। ये देखिए, कई लोग चीज़ दाबेली खाना पसंद करते हैं, तो आप इसमें चीज़ भी लगा सकते हो, पर मैं आज आपको बिल्कुल गुजराती और महाराष्ट्रियन डिश समझा रही हूँ, इसलिए मैंने चीज़ नहीं लगाई है। ये देखिए, दोनों पे चटनी लग चुकी है। अब हम रखेंगे एक चम्मच अपने आलू की मिक्सचर का। आलू का मिक्सचर जो हमारा बिल्कुल सजा हुआ रखा है सेव और अनार के दाने से, हम इस पे लगाएंगे वो। ये देखिए, अब लगाएंगे थोड़ी सी मूंगफली, मसाले वाली जो हमने बना के रखी है, बिल्कुल अच्छे से। और लगाएंगे थोड़ा सा प्याज। प्याज बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप खाते हैं तो लगाएं, नहीं तो ना लगाएं। फिर से लगाएंगे एक चम्मच आलू का मिक्सचर, ये देखिए अच्छे से, और फिर से पूरा प्रोसेस रिपीट कर देंगे, प्याज, मूंगफली, आलू का मिक्सचर और सब कुछ। तो मेन जो दाबेली में टेस्ट आता है वो आता है आलू की स्टफिंग से, तो इसमें बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा, अच्छे से भर भर के लगाइएगा। अब हम इसे हाथ की हेल्प से एक टिक्की टाइप बना लेंगे, जिससे जो हमारी दाबेली का मिक्सचर है वो पाव पे अच्छे से चिपक जाए, और जब हम इसे सेकेंगे तो निकले नहीं। तो मैं इसे हाथ की हेल्प से ऐसे प्लेन कर रही हूँ, आप चाहें तो चम्मच की हेल्प से भी कर सकते हैं, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से गिरे नहीं। अब यार, मैंने सोचा कि दाबेली में अच्छा टेस्ट तो इसी मिक्सचर से आता है, तो क्यों ना एक चम्मच और लगा दे। तो मैंने थोड़ा सा मिक्सचर और लगा दिया है, और ये देखिए, अब ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। दूसरे पाव के पीस से हम इसे कवर करेंगे, और यम्मी सी हमारी दाबेली जो है वो रेडी हो गई है। कुछ लोग इसे ऐसे ही खा जाते हैं, या फिर कुछ लोग इसे सेक के खाते हैं।
मैं आपको दिखाऊंगी सेकी हुई दाबेली। और ये देखिए हमारी दाबेली जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। ऐसे ही हम दूसरी भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे वही मीठी चटनी और गार्लिक चटनी और आलू का मिक्सचर लगा के इसे अच्छे से बंद कर देंगे। तो आप इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। ट्रस्ट मी, आप ये रेसिपी किसी भी फंक्शन पे बना सकते हैं, फेस्टिवल पे बना सकते हैं, बच्चों के बर्थडेज पे, एनिवर्सरीज पे, कभी भी बना सकते हैं। या फिर अभी होली आ रही है और होली पे हम ऐसा सोचते हैं कि कुछ यूनिक रेसिपी हर साल बनाएं, तो होली पे हम ये दाबेली ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो इसका फीडबैक आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए मेरी दाबेली जो है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी यमी लग रही है अभी से ही। और अब हम इसको सेकना शुरू करेंगे। तो मैंने एक जगह पे अपना जो तवा है वो अच्छे से गरम कर लिया है। आप चाहें तो इसे घी में भी सेक सकते हैं या फिर बटर में भी। मैं इसे बटर में सेक रही हूँ। मैंने हल्का सा तवे पे बटर लगा लिया है और अच्छे से मैं अपनी 3-4 दाबेली के पीस रख दूंगी। हमें इसे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना होता, बस हल्का हल्का सा सेकना होता है ताकि ये थोड़े गर्म हो जाए और हल्का सा क्रिस्पी हो जाए बस। इससे भी इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ऊपर भी हम थोड़ा सा बटर लगा लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप बटर अवॉइड करते हैं तो आप इसे ऐसे भी सेक सकते हैं। तो बस हमारी जो दाबेली है वो बिल्कुल रेडी है। आप इसे ऐसे खा सकते हैं, ये बिल्कुल रेडी है। पर अगर किसी मेहमान के आगे आपको ये रखनी है तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे ये बहुत ही सुंदर लगेंगी और इसका टेस्ट 10 गुना बढ़ जाएगा। देखने वाला भी सोचेगा कि ये क्या रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो ये दाबेली को हम रखेंगे ऐसे और इसके साइड में हम लगाएंगे अपनी खजूर की चटनी जो हमने बना के रखी थी। ज़्यादा नहीं लगानी, बस थोड़ी थोड़ी लगानी है ताकि इस पे हमारी ये सेव जो है वो अच्छे से चिपक जाए। तो गुजरात में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको ये ऐसे ही सर्व करेंगे। और ट्रस्ट मी, बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। चीज़ और वेजिटेबल और मिक्स वेज से कुछ अलग चीज़ है, तो इस होली पे आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैंने हर जगह पे इसके सेव लगा दी है। सेव इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि ये इससे सेव में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो हमारी जो दाबेली है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इनकी करेंगे प्लेटिंग। और इनकी प्लेटिंग भी ना बहुत ही यूनिक तरीके से आज हम करने वाले हैं। जो जो चीज़ें हमने बनाई हैं वो हम सारी डालेंगे प्लेट में और फिर सजाएंगे अपनी दाबेली। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे ले ली है एक प्लेटिंग ट्रे और उसमें रखती हैं सबसे पहले अपनी मसाला मूंगफली। ये देखिए ऐसे पहले हमने सजा दी है मूंगफली, सारा सजाएंगे एक एक करके। फिर हमने सजा दी है थोड़ी सी सेव, क्योंकि सेव भी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर हम इसमें रखेंगे अपनी मसाला प्याज, मसाला प्याज भी हमने रख दी है। और फिर हम रखेंगे अपनी गर्मा गर्म सेब वाली दाबेली। तो मैंने अच्छे से सजा दी है। अब मैं इस पर डाल रही हूँ थोड़े से अनार के दाने, क्योंकि रेड रेड बहुत ही यम्मी लगता है, या फिर आप टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। तो बस हमारी यम्मी सी गुजराती डिश रेडी हो चुकी है। तो ये बहुत ही यम्मी बनी थी और बहुत ही इजी भी थी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी करें।